हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा किचन्स मैजिक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी की रेसिपी। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, कृष्णा जी को माखन मिश्री दूध दही का भोग लगाया जाता है। उसके साथ साथ कृष्णा जी को धनिया की जो पंजीरी है बहुत ही प्रिय है। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कृष्णा जी को पंजीरी का भोग क्यों पसंद है और इसका भोग उन्हें क्यों लगाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं धनिया की पंजीरी बनाना। तो सबसे पहले एक पैन को गैस पे रख देंगे, उसमें हम 2 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। 1/4 कप हम इसमें मखाना ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम मखाना को क्रंची होने तक रोस्ट करेंगे। मखाना को रोस्ट करने में आपको लगभग 2 मिनट का समय लग जाएगा। आप चाहे तो मखाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के भी उसे रोस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हमारे क्रंची मखाने हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी को हम गरम कर लेंगे। अब हम इसमें 10 से 12 काजू ऐड करेंगे। मैंने काजू को 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। 10 से 12 चॉप्ड क्या हुआ बादाम ऐड करेंगे और 10 से 12 चॉप्ड क्या हुआ पिस्ता। अब हम इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट को हमें लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। अगर आप हाई या मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को विदाउट घी के भी रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। इसे भी हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट की मात्रा आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम उसी पैन में डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल देंगे। इसे भी हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाने तक। आप देख सकते हैं हमारा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी रोस्ट हो चुका है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी पैन में हम 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कप धनिया पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम धनिया को लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। आप चाहे तो धनिया के सीड को लेकर उसे रोस्ट कर लीजिए ऐसे घी में और फिर उसे ग्राइंड कर लीजिए। आपका तैयार हो जाएगा धनिया पाउडर। धनिया के पाउडर को हमें लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। आप देख सकते हैं धनिया का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कान्हा जी को पंजीरी का भोग क्यों लगाया जाता है, उन्हें यह पंजीरी का भोग क्यों पसंद है, इसका रीजन ये है कि ऐसी मान्यता है कि कान्हा जी जब माखन मिश्री का अधिक सेवन कर लेते थे तो मैया यशोदा माखन मिश्री से कोई हानि ना हो इसलिए रात्रि में वात पित्त कफ के दोषों से बचने के लिए धनिया की पंजीरी का प्रसाद बनाकर कान्हा को खिलाती थी। तभी से जन्माष्टमी के दिन धनिया की पंजीरी का भोग भी कान्हा जी को लगाया जाने लगा। ये देखिए, हमारा धनिया भी अच्छी तरह से भुन चुका है। इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। अब हम रोस्ट किया हुआ धनिया को ठंडा कर लेंगे। यह हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 1/3 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट किया था। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों की मदद से इसे मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से ऐसे मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा धनिया अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मखाना ऐड कर देंगे। आप चाहे तो मखानों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। किशमिश ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। वैसे तो धनिया खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे धनिया हमारे पाचन की समस्या को दूर करता है। अर्थराइटिस के रोगों के लिए धनिया जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। धनिया जो होता है डायबिटीज को भी कंट्रोल करके रखता है। अनीमिया की जो समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन सी पाए जाते हैं।
अब हम इसमें 2 से 3 बतासा क्रश करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास बतासा अवेलेबल है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो टोटली ऑप्शनल है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे एयरटाइट जार में स्टोर करके 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी धनिया पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लीजिए, तैयार है धनिया पंजीरी प्रसाद। बहुत ही टेस्टी और यमी हमारी पंजीरी बनी हुई है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके यहाँ कृष्णा जी को क्या चढ़ाते हैं। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, इट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।